हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किंजल और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल थोड़ी सी पेट पूजा में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 15 मिनट में बनने वाला सूजी उत्पम की रेसिपी। बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। उत्पम बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है 1.5 कप सूजी, इसे एक बोल में डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप ताज़ा दही। दही और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और गाढ़ा सा बैटर बना के तैयार करेंगे। इस बैटर को ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक सूजी फूल रही है तब तक हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। उसके लिए एक बोल में डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 गाजर जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमारी टॉपिंग एकदम रेडी हो गई है, इसे रख देंगे साइड में और अपने सूजी वाले बैटर को भी चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है और बैटर भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा पतला कर लेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी बैटर की होनी चाहिए, ना बहुत पतला और ना बहुत गाढ़ा। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1/2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा बैटर भी एकदम रेडी हो चुका है, तो चलिए इसका उत्पम बनाना शुरू करते हैं। तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उस पर ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। सूजी का थोड़ा सा बैटर डालेंगे और हल्का सा फैला देंगे। छोटा या बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मैं यहाँ छोटे छोटे उत्पम बना रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी टॉपिंग लगाएंगे जो हमने बना के तैयार की थी। ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि सब्जियां अच्छी तरह से चिपक जाएं। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। 2 मिनट बाद सभी उत्पम को पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से ये सेक चुका है, दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। दोनों तरफ से उत्पम अच्छी तरह से सेक चुका है, इसे तवे से उतार लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी उत्पम भी बना के तैयार करेंगे। यहाँ हमारे सभी उत्पम बनके एकदम रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे उत्पम बनके तैयार हुए हैं। इसको आज मैं सर्व करने वाली हूँ सांभर और नारियल की चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको भी जाके आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।